साथियों, इस समय मैं बरौली में हूँ। लखनऊ का एक गांव है और यहाँ पे आपने कल एक वीडियो देखी होगी जो पूरा फेसबुक पे चली, जो पूरे देश में, जो पूरे देश ने घटना देखी कि दलित समाज के 3 युवकों को गले में जूते की माला पहना के मार पिटाई की गई, उनके सिर का मुंडन किया गया, पूरे गाँव में घुमाया गया। अभी मैं उसी गाँव में खड़ा हूँ और उसी गाँव की घटना है। लेकिन आपको जान के अचंभा होगा क्योंकि देश को उसकी पूरी सच्चाई भी पता नहीं कि इस मामले में आगे क्या हुआ है। कल मुंडन जरूर हुआ 3 लड़कों का, उनको पीटा गया, उनको माला पहना के जूतों की घुमाया गया, लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ आपको ये भी जानना चाहिए। आज उन्हीं 3 लड़कों को जिनको गले में जूते की माला पहनाई गई, जिनको पीटा गया, जिनका मुंडन किया गया, उन्हीं को जेल में डाल दिया गया है। और जिन लड़कों ने, जिन जातिवादी लोगों ने उनको जेल में, जिन्होंने उनका मुंडन किया था, जिन्होंने उनको जूते की माला पहनाई थी, उनमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की भी। मैं भी उसी परिवार से मिलने के लिए आया था आपसे। परिवार के एक सदस्य होंगी, दादी हमारे साथ बैठी थी, उन्होंने बताई पूरी घटना जो कि आप देख सकते हैं जो यहाँ बैठी हैं एक बार के लिए। तो ये पूरी घटना अभी है लखनऊ की। अब सवाल ये साथियों, ठीक है आप लोग फेसबुक पे जुड़े हैं, ट्विटर पे हैं, हर जगह अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे सबको संवेदनशील होना होगा और कम से कम सबके मैसेज जाए कि जिन लोगों पे प्रताड़ना हुई, जिनको आपने जूते की माला गले में पहनाई आज़ादी के 70 साल बाद भी, उन्हीं लोगों को आपने जेल में कैसे डाल दिया। सरकार से आज के समय आपको, मुझे, सबको मिलके एक व्यापक आवाज़ उठानी पड़ेगी, मांग करनी पड़ेगी कि जिन युवकों की प्रताड़ना हुई है, जिनको मार पिटाई किया गया, जिनके गले में माला पहनाई गई जूतों की, उनकी तुरंत रिहाई हो, पहली बात ये। और दूसरी बात ये, जिन लोगों ने जूते की माला पहनाई, जिन लोगों ने दलितों को मारा पीटा, उनको तुरंत जेल में डाला जाए, दूसरी बात ये। आप देखिए कि आज जो यूपी में हालात हैं, अभी कुछ देर पहले अमरोहा में हमारे दीपक कुमार जी गए, अमरोहा में भी एक दलित समाज के लड़के को, 17 साल के लड़के को गोली मार दी गई। और अमरोहा में जब हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल वहां मिलने गया, पूर्व मंत्री दीपक कुमार जी गए, तो वहां आप यकीन करेंगे वहां जाने के क्या क्या उस पिता ने, कहा कि मेरी जमीन बिकवा के मुझे इस गांव से निकाल छोड़ के जाना है क्योंकि मैं सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये इस देश में आज हालात है, पहले बेटा मरता है, फिर बाप कहता है कि मैं इस गांव में सुरक्षित महसूस नहीं करता, मुझे गांव से बाहर देने दीजिए। ये इस देश में न्याय हो रहा है आज। आप देखिए, मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, मैं सिर्फ एक विनती है मेरी आपसे सिर्फ, और मैं इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं, सिर्फ सामाजिक तौर पे कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इससे जुड़े हैं वो भी इस बात को उठाएं कि कम से कम ये हो क्या रहा है। आप मतलब चौंक जाएंगे देख के कि तमाशा चल रहा है इस देश में, कि ये हो कैसे सकता है कि जिन लोगों को पीटा गया वही लोग आज जेल में, जिनके गले में माला पहनाई हो जूतों की वही जेल में, और जिन लोगों ने पीटा माला पहनाई वो लोग। इस पूरे मुद्दे पे आप लोग संवेदनशील हो जाइए, इस मुद्दे को गली गली तक पहुंचाइए और लोगों को बताइए कि जो गांव, आपको गांव दिखा भी देता हूँ, ये इसमें पीछे का जो कैमरा करना पड़ेगा ऑन, पीड़ित की दादी जी हैं और ये साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप कुछ बताना चाहेंगी मैया? का बताइए, अब हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तो मलिमा है, वो का हम बताए का कहीं। लखनऊ राजधानी से मात्र 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो ये कह रही हैं कि भाई हम क्या बताएं और क्या करें, न्याय तो इस देश में है नहीं। तो साथियों, मेरी सिर्फ दरख्वास्त है कि इस मुद्दे पे थोड़ा समय, सबको संवेदनशीलता से आवाज उठानी पड़ेगी और सबको ये बात वो कहनी पड़ेगी योगी जी को और यहाँ के पूरे पुलिस प्रशासन को कि आपने जिन युवकों को गिरफ्तार किया, तुरंत दलित युवकों की रिहाई करिए, और जिन लोगों ने उनके साथ मार पिटाई की, उनकी जाति प्रताड़ना की, गले में जूते, आप देखिए आजादी के 70 साल बाद ये हो रहा है, लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। ये ऊना जितनी बड़ी घटना है, सोचिए आप इस बात को, ऊना से कम नहीं है जहाँ पे पीछे दलितों के फट्टे मारे गए थे पैंट निकाल के, ये उससे भी गंभीर घटना है, उतनी हर दलित उत्पीड़न की घटना उतनी गंभीर है। तो हम लोग तो यहाँ पे आए हैं, अभी पूर्व मंत्री आर के चौधरी जी, तनुज पुनिया, सब लोग यहाँ पे आएंगे। आज हम कोरोना काल में जी रहे हैं और कोरोना में कहते हैं देश लॉकडाउन है, लेकिन देश लॉकडाउन है, लेकिन देश में जो पूरा पूरा मामला है, जो दलित हिंसा है, दलित हिंसा पे कोई लॉकडाउन नहीं हुआ अभी तक। तो ये आवाज भी उठानी पड़ेगी, अगर लॉकडाउन पर, दलित हिंसा पे लॉकडाउन क्यों नहीं है। बांदा में कल एक दलित लड़की का बलात्कार हो गया, आज ये घटना आई। तो मैं सिर्फ
दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी लोग अपने स्तर पर आवाज़ उठा पाएँ, और आपको मैंने कुछ हकीकतों दिखाई दी जो आपने देखी। ये परिवार है, ये घर है, ये लोग जहाँ पे जहाँ से युवक थे, ठीक है, ये गांव है पूरा का पूरा। तो कम से कम आप लोगों से मेरी इतनी दरख्वास्त है कि इस पूरे मसले पे जो लखनऊ में घटना हुई है कल की, उस पर सब लोग आवाज़ उठाएं, परिवार को न्याय मिले, और जब तक न्याय ना मिले आप लोग आवाज़ उठाते रहें। उम्मीद मैं करता हूँ कि इस परिवार को जल्द न्याय मिले, सरकार से ज़्यादा कुछ उम्मीद करने का है नहीं। लेकिन इसके बाद हम पुलिस थाने में जाएंगे, SHO से बात करेंगे कि उन लोगों रिहाई किया जाए। वैसे मैं लाइव आता नहीं हूँ, लेकिन आज आना जरूरी समझा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं रोक नहीं पाया, सोचा आप लोगों से मैं बात करूँ और सबको बताऊँ इस देश में क्या हुआ है। ये कि जिनको मारा गया, जिनको जूते की माला पहनाई गई, जिनको गंजा किया गया, आज वही जेल में है, और जो करने वाले थे वो आराम से अपने घर में बैठे हैं, और उनको किसी को पकड़ा तक नहीं गया। तो जितने भी लोग जुड़े, कम से कम मैसेज को आगे पहुँचाएँ कि जो लखनऊ के साथी जिनकी प्रताड़ना हुई है उनकी रिहाई हो सिर्फ, और पुलिस प्रशासन को जल्द से कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इतनी अति नहीं सहेंगे हम लोग भी। ठीक है, लॉकडाउन है, आपने बहुत हमारे पर अत्याचार किए, लोगों को मारा, हम लोग फिर भी कुछ नहीं कहा लोगों, लेकिन ये इतना अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को आगे से आगे फैलाएंगे, और आगे से आगे इस बात को आप लोगों के सामने रखेंगे कि जितने भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं हैं, किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न होता है इस देश में, इस दुनिया में कहीं भी, वो बंद हो, और कम से कम आप मैं उस पर एक व्यापक आवाज़ उठा पाएँ। क्योंकि ये परिवार देखिए, आपने देखा इनकी दादी को, कि जो जिस गरीबी से लोग जी रहे हैं ज़िंदगी, और ऊपर से जातीय प्रताड़ना है रोज़ की रोज़, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये घटना इस आज़ाद हिंदुस्तान के ऊपर वो काली शाही है जो कि कभी कोई मिटा नहीं सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।